हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द पॉक्सो एक्ट। अब ये एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, वीडियो बहुत ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो एक सिंगल वीडियो में सारी चीजें रख पाना पॉसिबल नहीं होगा, तो वीडियो कई पार्ट में बनेगा। इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आप इसके आगे आने वाले पार्ट के किसी भी वीडियो को मिस ना करें। और उसके अलावा प्लीज वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी करिए। नाउ द पॉक्सो ऐप, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे अबाउट एन ओवरव्यू अबाउट द पॉक्सो ऐप। पॉक्सो ऐप को लाने की नेसेसिटी क्यों पड़ी, क्या एम और पर्पस था, और ये ऐप किन चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है। अब आपने रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा सुना होगा अबाउट द पॉक्सो एड। रिसेंटली जब एफआईआर फाइल हुई अगेंस्ट ब्रिजभूषण, तब जब ये आया कि भाई पॉक्सो एक्ट के चार्जेस उनके ऊपर नहीं बनते हैं, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने ये बोला उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के चार्जेस नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम उस पर फाइल नहीं कर रहे हैं, हम उस पर क्लोजर डाल दे रहे हैं। अब हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई पॉक्सो एक्ट बोलता क्या है, पॉक्सो एक्ट में चीजें क्या होती हैं, क्या क्या पर्पस थे इसके, और कितने वो पर्पस सर्व हो रहे हैं, और क्या स्पेशल प्रोसीजर्स हैं जो कि पॉक्सो एक्ट के अंदर में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो कि और वो प्रोसीजर्स कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम सीआरपीसी या फिर आईपीसी में जो क्रिमिनल ऑफेंसेस दिए गए हैं, कैसे वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द क्रिमिनल ऑफेंसेस दैट हैज बीन स्टेटेड अंडर द पॉक्सो। अब सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है पॉक्सो का, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अभी नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि ये जो एक्ट है उसका एक पर्पस ये है कि जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक्ट आया था इन द ईयर 2012, ठीक है। आपको अगर मेरी पिछली वीडियोस याद होंगी जिसमें हमने बताया था बेयर एक्ट पढ़ते कैसे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012 का क्या मतलब है। इट मींस कि ये 32nd एक्ट था इन द ईयर 2012 जिसको एनैक्ट किया गया था, ठीक है। फर्दर मोर डेट क्या था इसका, 19th ऑफ जून 2012, ठीक है, 19th ऑफ जून 2012 को ये चीज लाई गई, ठीक है, मतलब ये चीज पार्लियामेंट से पास हुई थी, एनैक्टमेंट एनफोर्समेंट की डेट अलग हो सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या थी। भाई आईपीसी तो ऑलरेडी था, ठीक है, हम ये मान सकते हैं चलो ये चिल्ड्रेन के बारे में बात कर रहा है, पर आईपीसी भी तो चिल्ड्रेन को प्रोटेक्ट करता ही था, आईपीसी भी तो चिल्ड्रेन के रिलेटेड चीजें, चिल्ड्रेन तो वहां भी कवर हो रहे थे। फिर एक हमें अलग एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने एक अलग एक्ट लाया, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें एक और बात ये ध्यान रखना पड़ेगा जिस ईयर में ये आया, आप एक बात ध्यान रखिए, आप कभी भी किसी भी एक्ट के बारे में जब पढ़ते हो ना, तो आप उस ईयर का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखो जिस ईयर में उस एक्ट को पास किया गया है या फिर उस एक्ट को एनैक्ट किया गया है। वो ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज एक्ट इंफ्लुएंस होते हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल डिसीजन। अब 2012 याद करिए, उस टाइम पे क्या क्या चीजें हो रही थी, निर्भया रेप केस हुआ था दिल्ली में, ठीक है, फर्दर बहुत जनरल इलेक्शन आने वाले थे, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे बहुत जल्द, और बहुत ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे थे अन्ना हजारे के साथ में, अरविंद केजरीवाल इन सबके बहुत ह्यूज लेवल पे दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे थे अगेंस्ट दी रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट। इसीलिए आप देख रहे हो कि एक्ट 32 ऑफ 2012, आप ये समझिए उस ईयर में कितने सारे एक्ट आए होंगे, ठीक है, उस ईयर में बहुत सारे एक्ट आए थे, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे बहुत ज्यादा वर्क करती है हार्ड कि यार मुझे ना ऐसे ऐसी नई चीजें लेकर क्या से लोगों का ध्यान हटे, जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है पहली बात तो उनसे, फर्दर जो अन अपकमिंग इलेक्शन थे वहां पे हमारे काम दिखे कि यार हमने ये सारी चीजें लाई। अब इस एक्ट का पर्पस देख, प्रियम्बल इसका पर्पस क्या बताता है, मैंने वीडियो में बता रखा है पहले के वीडियो में कि भाई प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल आपको पर्पस बताता है, प्रियम्बल आपको बहुत कुछ बता देता है उस एक्ट के बारे में, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है एक्ट के बारे में बिना अंदर डिटेल में भी पढ़े, ठीक है। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, तो क्या क्या ऑफेंसेस के रिलेटेड ये बात करेगा, ये एक्ट सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, तो इन तीन चीजों के बारे में ये एक्ट बात करता है, ये तीन सब्सटेंटिव राइट्स
सब्सटेंटिव लॉज हैं इस एक्ट के अंदर में, जो कि बच्चों को देता है, बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। फर्दर प्रोसीजरल क्या बात करता है, टू प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। ठीक है, तो वो साथ में ये एक्ट स्पेशल पॉक्सो कोर्ट्स को भी एस्टैब्लिश करता है, और ये जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे उस स्पेशल कोर्ट में ही डील किए जाएंगे, उन सबका ट्रायल ये स्पेशल कोर्ट में ही चलेगा, किसी रेगुलर कोर्ट में नहीं चलेगा। तो ये पहला डिफरेंस हो गया बिटवीन सीआरपीसी एंड दी पॉक्सो एक्ट। ठीक है, सीआरपीसी कोई भी मैटर जाएगा तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में चलेंगे वो मैटर, पर पॉक्सो के कोई भी मैटर आ जाएगा, जैसे ही पॉक्सो का चार्ज लगता है वो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चलेगा। ठीक है, फर्दर मोर ये एक्ट बनाने की पावर कहाँ से आ रही है, तो एक्ट बनाने की पावर गवर्नमेंट के पास आ रही है फ्रॉम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने जो बताया था कि भाई पॉलिटिकल सिनारियो कैसे 2012 का वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इन चीजों को लाया गया। और तब तो आप कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे यार आप तो बहुत ही नेगेटिव हो रहे हो, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया उसने भी आप गवर्नमेंट के इल मोटिव्स निकालने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एसीडेड ऑन 11 दिसंबर 1992 टू द कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब बेसिकली सीन क्या है कि यूएन जनरल असेंबली ने एक कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसको हम यूएन सीआरसी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसको लाया। ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट थे कि क्या क्या चीजें लोगों को करनी है, जो कंट्रीज है उनको करनी है, विच आर इन दी बेस्ट, विच विल प्रोटेक्ट दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दी चाइल्ड, जो चाइल्ड राइट्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। अब इंडिया उसकी सिग्नेटरी कब बनी है, 11 दिसंबर 1992। मतलब इंडिया ने सिग्नेटरी बनने का मतलब क्या होता है, देखिए दो चीजें होती हैं, सिग्नेटरी और रेटिफिकेशन। ठीक है, सिग्नेटरी स्टेट पार्टी बनना, सिग्नेटरी होना मतलब ये होता है कि आपने उस एक्ट को साइन कर दिया कि हाँ भाई देखो हम अग्री तो करते हैं, ये जो आपने कन्वेंशन लाया उससे हम पूरी तरीके से अग्री करते हैं और हम इसको लागू करेंगे अपने देश में कभी। पर आपने लागू नहीं किया है, आप बस सिग्नेटरी बने हो, आपने बोल दिया है कि भाई हम लागू करेंगे जब हमारा मन करेगा अपने देश में। ठीक है, तो आप ये देखिए प्रॉमिस गवर्नमेंट ने कब किया यूनाइटेड नेशंस में, 11 दिसंबर 1992, बट रेटिफाई, रेटिफाई क्या होता है, उस चीज को एक्चुअली पेपर पे उतारना, उसको लॉ के फॉर्म में बनाना और वो राइट एक्चुअल में देने, वो चीजों को एक्चुअल में अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करना। रेटिफिकेशन कब जाके हो रहा है, 2012, समझ रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 20 साल बाद, लगभग 20 साल बाद जा करके उसको रेटिफाई किया जा रहा है। जो चीज 1992 में हो सकती थी वो जाके 2012 में की जा रही है। इसीलिए हमें समझना जरूरी होता है कि पॉलिटिकल सिनारियोस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं टू द डिसीजन, क्योंकि कैसे कोई एक्ट को लाया जाता है वो पॉलिटिकल चीजों से, पॉलिटिकल सिनारियों से कैसे इन्फ्लुएंस होकर कोई एक्ट आता है। ठीक है, अब आगे गवर्नमेंट क्या लिखती है, एंड वेयर एज इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, प्रिवेसी प्रोटेक्ट करता है ये एक्ट, पोर्नोग्राफी रिलेटेड ये सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करके प्रिवेसी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड ऑल्सो ये देखता है कि जुडिशियल प्रोसेस में जिसमें बच्चा इन्वॉल्व है, जुडिशियल प्रोसेस में बच्चा इन्वॉल्व है उसमें उसके राइट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, फर्दर ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखता है हर स्टेज पे, या हर स्टेज पे ये चीज इंश्योर करता है कि पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दी जाए टू हेल्दी फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ दी चाइल्ड। तो इस एक्ट के सेंटर में हमेशा चाइल्ड ही होगा, इसकी हर एक चीज चाइल्ड को देख के बनाई गई है। ठीक है, फर्दर अगेन जैसे हमने कहा था, स्टेट पार्टीज को सीआरसी के अंदर में जो चीजें करनी थी, इंड्यूसमेंट एंड कोर्जन ऑफ अ चाइल्ड टू एंगेज इन अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज, इसको प्रिवेंट करना, एक्सप्लॉइटेशन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, परफॉर्मेंसेस, पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस मटीरियल्स में यूज होने वाली चीजों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पर्पस था, जिस पर्पस की वजह से पॉक्सो एक्ट को लाया गया। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इसमें हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड है कौन, कौन है चाइल्ड, चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग जगह पे हमें बहुत सारी डेफिनेशन मिलती है चाइल्ड की। इस एक्ट के लिए सेक्शन 2C के अंदर चाइल्ड, 2D सॉरी 2D के अंदर चाइल्ड डिफाइंड है, जो कि कहता है चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, मेल हो या फीमेल डजेंट मैटर, अगर वो इंसान 18 साल से नीचे की एज का है तो वो डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर में, वो चाइल्ड की डेफिनेशन के अंदर में कवर हो जाएगा। ठीक है,
वो इसके अंडर में पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, वो इसके अंदर में आता है। ठीक है, अब एक और चीज जो इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि एक ओवरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम पूरे के पूरे एक एक प्रोविजंस में जाएंगे, समझेंगे कि प्रोविजंस क्या कहते हैं, क्या प्रोसीजर्स लेट डाउन है, क्या सब्सटेंटिव लॉज है इसके अंदर में और क्या प्रोसीजर लॉज है इसके अंदर में। पर सबसे पहले ऑफेंसेस हमने आपको बताया कौन कौन से ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, वही देखिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आपको बताएंगे कि क्या होते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कैसे डिफरेंट है फ्रॉम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, फिर सेक्सुअल असॉल्ट कैसे डिफरेंट है उन दोनों से। ठीक है ये, और फिर सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, फिर हमने एक और चीज देखी थी पोर्नोग्राफिक चीजों में बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको रोकने के लिए भी ये काम करता है। तो चैप्टर 3 आपका पूरा पोर्नोग्राफिक मटेरियल में बच्चे की इन्वॉल्वमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, फिर चैप्टर 4 जो है वो पूरी तरीके से अबेटमेंट, ठीक है, या फिर अटेम्प्ट इन चीजों को पनिश करता है। अब फिर इसके बाद से चैप्टर 4 तक आपका सब्सटेंटिव लॉ था। ठीक है, अब आते हैं प्रोसीजर लॉ इसके अंदर में। ठीक है, तो चैप्टर 5 सबसे पहले बताता है प्रोसीजर क्या होगा किसी भी केस को रिपोर्ट करने का, प्रोसीजर 6 बताएगा प्रोसीजर क्या होगा किसी बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो बच्चे को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है वो उसका प्रोसीजर कंप्लीटली डिफरेंट है, जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है अंडर दी सीआरपीसी, इसका अपना एक स्पेशल प्रोसीजर है। क्योंकि हमने देखा था प्रियम्बल में बच्चे की मेंटल फिजिकल इमोशनल सारी हेल्थ को हमें रखना है ध्यान। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे की स्टेटमेंट भी इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है कि उसको इमोशनल या फिर मेंटल इंजरी उसको ना हो। फिर आ जाता है स्पेशल कोड। ठीक है, कि स्पेशल कोड कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, कौन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे, क्या चीजें उसमें की जाएंगी। ठीक है, और क्या उसके प्रोसीजर्स होंगे, प्रोसीजर फर्दर आ जाते हैं चैप्टर 8 में। वो बताते हैं कि स्पेशल कोड किस तरीके से फंक्शन करेंगे और उसमें एविडेंस लेने का क्या तरीका होगा। ठीक है, सबसे आखिरी में आता है चैप्टर 9 जो आपका बताता है मिसलेनियस। ठीक है, शेड्यूल भी उसमें दिया हुआ है, वो शेड्यूल को भी हम एक बार देखेंगे, पर शेड्यूल इज वेरी मच सिमिलर टू जो आपको सीआरपीसी में मिलता है। ठीक है, मिसलेनियस में आपको आ जाते हैं कि पावर टू मेक रूल्स या फिर एक्सपर्ट को हेल्प लेना। ठीक है, फिर एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन टू, बट ठीक है मतलब कि अगर कभी भी सीआरपीसी और कुछ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर में आती हैं। आई होप आपको ये जो एक ओवरव्यू है अबाउट द पॉक्सो एक्ट ये अच्छे से समझ में आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आप ये भी बताइए आपको और किन एक्ट के बारे में जानना है जिसपे हम वीडियो जरूर बनाएं। फर्दर इसको शेयर करिए जितने लोगों के साथ में आप कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को बोल सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उतने ज्यादा लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।